नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल लर्निंग टाइम में स्वागत है। तो मैं सीटेट यूपीटेट सोशल साइंस का जो पेपर आने वाला है तो उसकी प्रिपरेशन करा रहा हूँ। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो रिपीट होंगे एग्जाम में, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को देखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। रोज़ आपको डेली क्वेश्चन मिलेंगे जिससे आपके इसमें कम से कम 60 में से आपके लगभग 50 क्वेश्चन तो अराउंड फंस ही जाएंगे दोस्तों। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म त्रिरत्नों में से नहीं है? तो देखिए कौन सा बुद्ध धम्म अहिंसा संघ, तो आपको बता दूं जो तीन रत्न हैं उसके बुद्ध धम्म और संघ है, अहिंसा उनका कोई वो नहीं था, वो नॉन वायलेंस पे बिलीव नहीं करते थे बौद्ध। विनय पटाका एक ग्रंथ है जो अवलेखित करता है, तो विनय पटाका मैं आपको क्लियर कर दूं पहली बात तो, एक जो क्या था बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, बोधगया में इन्हें लिखी गई थी बौद्ध के द्वारा। तो इसका सही जवाब आपका होगा बौद्धों के नियम है, इसमें किसके नियम है, बौद्धों के नियम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसको देखिए पूरा यहाँ तक आएगा ये, रॉल्ट अधिनियम 1919, ये भी ध्यान रखिएगा, रॉयल्ट अधिनियम का 1919 का विरोध किया गया था क्योंकि इसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों का अधिकार प्रदान किया गया था। इसमें इसने भारतीयों को हथियार रखने पर रोक लगाई थी। इसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाना और पुलिस को अधिक अधिकार दिए थे। प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया था। तो दोस्तों मैं एक चीज़ बता दूँ, ये आपका जो रॉयल्ट अधिनियम है ये गांधी जी द्वारा शुरुआत किया गया था। और दूसरा इसमें क्या था, पुलिस को मनमाने तरीके से जैसे तैसे तरीके से अंकुश लगाने का अधिकार था, मतलब उसको अधिकार दिए गए थे पुलिस को, ऐसे अधिकार दे दिए गए थे कि मतलब अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पर ऐसे रोक लगा दी गई थी लोगों की, मतलब जब चाहे जहाँ लोगों को मार सकते थे कुछ अधिकार दे दिए गए थे। तो इसका सही जवाब आपका होगा ये, इसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया, मतलब जो हमारे जो मौलिक हैं फ्रीडम जो क्या कहते हैं फंडामेंटल राइट्स, उन पर अंकुश लगाया, पुलिस को अधिकार दे दिए गए थे वो कुछ भी करें। इसके बाद है, किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा है? तो उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन। तो दोस्तों इसका सही जवाब है आपका, ध्यान रखिएगा, गलत तरीके से शासन लगाया जा रहा है अवध पर, तो उसको रोका था आपका ये लॉर्ड डलहौजी ने। बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भड़काने के लिए निम्नलिखित में से किस नगर से सक्रिय भाग लिया? तो दोस्तों आपको बता दूं, कानपुर से तो होगा नहीं, कानपुर से नाना साहब थे, ठीक है, और झांसी से आपके कौन थे, रानी लक्ष्मीबाई। तो आपका इसका सही जवाब आपका लखनऊ है, लखनऊ से बेगम हजरत महल ने पार्टिसिपेट किया था। निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बंगाल 18वीं सदी में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया था? किसके नेतृत्व में बंगाल, नादिर शाह, मुर्शीद कुली खां, निजामुल्लक असफ जहां, अली वर्दी खां? तो इसका सही जवाब है आपका मुर्शीद अली खां। पंचवाड़ी और बीजक में निम्नलिखित में से किस महान हस्ती के छंद और विचारों को संरचित किया गया? मीराबाई, गुरु नानक, कबीर, रविदास। पंचवाड़ी और बीजक पहले तो कबीर ने लिखा, कबीर उसमें लिखते थे साखियों शब्द, तो पंचवाड़ी और बीजक आपका कबीर है। आईने अकबरी के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषयों के संबंध सांख्यिकीय विवरण प्रस्तुत करता है। अकबरनामा शीर्षक के अंतर्गत अकबर के शासन के इतिहास की 3 जिल्दों में से पहली जिल्द है। इनमें से अकबर के पूर्वजों को अकबर के शासन की घटनाओं का विवरण किया जाता है। ये मिर्जा हाकिम द्वारा लिखी गई अकबर की दरबारियों में से एक है। पहली बात तो आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखी है, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत ही हो गया आपका। दूसरा है आपका पूर्वजों के बारे में इसमें बताया गया, ये भी गलत है, पूर्वजों के बारे में नहीं बताया। दूसरा ये पहली जिल्द नहीं है, ये तीसरी है, तीसरा पार्ट है। तो इसका सही जवाब है आपका ये, अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकीय विवरण प्रस्तुत करता है। ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवता खासकर प्रमुख थे? रुद्र, विष्णु, इंद्र, अग्नि, इंद्र सोम,
इंद्र, वरुण, रुद्र, अग्नि, इंद्र तथा विष्णु। तो इसका सही जवाब है आपका अग्नि, इंद्र और सोम, ये सबसे ज्यादा फेमस थे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र भारतीय जनरल गवर्नर था? तो आपको बता दूं, भारतीय जनरल गवर्नर आप इस तरीके से पहचान लीजिएगा जिसने नमक कहना सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किया था, तो सी राजगोपालाचार। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।